जियो का कोई भी सिम चला सकते हैं दोस्तों इस मोबाइल के अंदर, आपको वीडियो के एंड तक बने रहे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसा ही बताऊंगा। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश और आपको हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज के हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे सिंपली सादा मोबाइल में कैसे आप जियो का सिम चला सकते हो, वो भी दोस्तों बिना किसी आपको मतलब इन भाई पैसे खर्च किए, मात्र जियो का सिम चाहिए और उसमें आपको क्या क्या करना है। दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहिए, आज की वीडियो काफ़ी कमाल की होने वाली है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन दबा के प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो डाले तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको अपने मोबाइल को रीसेट कर देना है। ऐसे सारा सेट कोई भी हो आपका, जो भी सेट हो, सैमसंग, नोकिया, कोई भी, उसे आप रीसेट कर दीजिए। रीसेट करने के बाद दोस्तों आप उसमें सिंपली जियो का सिम डालिए। जियो के सिम डालने के बाद उसमें आपको क्या कोड डालना है, कोड डालने के बाद दोस्तों कैसे चालू हो जा रहा है वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। कोड आपको क्या डालना है दोस्तों, *#3246# डाल के आपको ओके कर देना है। फिर देखिए दोस्तों जियो का सिम ऑटोमेटिक उसमें चलने लगता है। नहीं विश्वास है तो मैं वीडियो में आप लोगों को दिखा रहा हूँ, वीडियो देखिए। दोस्तों आप लोग जिस मोबाइल में चाहें उस मोबाइल में सैमसंग, नोकिया, किसी भी मोबाइल में दोस्तों जिस प्रकार से चाहें उस प्रकार से जियो की सिम चला सकते हैं। दोस्तों आप लोगों को मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आ गई होगी, समझ में आ गए। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। आई होप ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन दबा के प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो डाले तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों ऐसा ही यदि मजेदार वीडियो देखना है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।